नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए पुकराया निवासी अरुण यादव उर्फ बबलू राजा के नेतृत्व में 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व के दिन सरकार विरोधी कानून को लेकर जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी कानून को लेकर नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी कानून वापस लेने को लेकर जमकर नारेबाजी की। जुलूस के दौरान पुलिस ने कई समाजवादी पार्टियों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की। आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव उर्फ बबलू राजा ने गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा। सर, क्या नाम है आपका, परिचय? हाँ जी, मैं अरुण यादव बबलू, समाजवादी पार्टी भोगनीपुर। सर, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज इस समय सरकार विरोधी कानून को लेकर जो रैली निकाली गई थी, क्या पूरा किस बात को पुलिस ने गिरफ्तार किया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उनके समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मुझ लोगों को पूरे जनपदों में निर्देश दिया था कि किसानों के समर्थन में आप लोग ट्रैक्टर रैली निकालें, किसानों को उसके लिए हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें पुलिस ने योगी सरकार द्वारा जो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना दबाव बनाया गया, जिससे कि किसानों का आंदोलन सफल ना हो पाए, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके दबाव पर ना आकर के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और हम लोगों को यहाँ थाने लाया गया। और सीओ साहब ने, हम लोग तो जेल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने, पुलिस ने जेल ना भेजकर हम लोगों को रिहा कर दिया। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट।